आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है आखिर इस बार कितने मुस्लिम लोकसभा पहुंचे। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यस गाइस, देखते हैं कि कितने मुस्लिम भाई बहन हैं हमारे जो लोकसभा चुनाव जीते हैं। ठीक है, सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर करना, ताकि यार ये लोगों को पता चले कि हमारे मुस्लिम भी किसी से कम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम इसके। दोस्तों, फाइनली 2024 के लोकसभा इलेक्शन के नतीजे आ चुके हैं और इस बार के लोकसभा के इस चुनाव में लगभग 24 के करीब मुस्लिम कैंडिडेट्स ने कामयाबी हासिल की है। हालांकि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उस वक्त तक भी काउंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सका था। तो मुमकिन है एक दो सीट्स का आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए, मगर हाँ, फिर भी ओवरऑल आप लोग 24 से 25 सीट ही मानकर चलिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये जो 24 सीट्स का आंकड़ा है, ये मुसलमानों की जो पूरे इंडिया में टोटल आबादी है 14 से 15% के करीब, उसके मुकाबले में बहुत कम नजर आता है। साथ ही साथ ये तो पिछले इलेक्शन से भी कम है, क्योंकि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में टोटल 27 मुस्लिम कैंडिडेट्स जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। मगर हाँ, फिर भी हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस बार के चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट्स का स्ट्राइक रेट्स पिछले सभी इलेक्शन से काफी अच्छा नजर आया। क्योंकि हमको नहीं भूलना चाहिए कि इस बार अपोजिशन की मेन पार्टीज की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 78 मुस्लिम कैंडिडेट्स ही उतारे गए थे, जो पिछले 2019 के इलेक्शन के 115 से काफी कम हैं। और मुस्लिम कैंडिडेट्स का ये नंबर इतनी तेजी के साथ क्यों घटा है, इसका रीजन आप लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से भारत की राजनीति बदली है, उसकी वजह से अब विपक्ष की पार्टी भी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट देने से कतराने लगी हैं। अब फाइनली बात करें उन सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स के बारे में कि जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के बाद इस चुनाव में जीत का परचम लहराया है, तो उन लोगों की हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम है इकरा हसन चौधरी का, कि जो उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से लगभग 69 से 70 हजार के बड़े फासले से जीतकर लोकसभा पहुंची हैं। इकरा हसन की सीट पर देश के ज्यादातर लोगों की तरह मेरी भी पर्सनली शुरू से ही नजर रही, क्योंकि ये न सिर्फ यंग हैं, महिला हैं, बल्कि हद से ज्यादा पढ़ी लिखी भी हैं, और शायद यही फैक्टर इनके इस चुनाव में काम भी कर गया। और इतनी कम उम्र में ही पहली बार जब समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया, तो बदले में इन्होंने भी जीत कर दिखाया। इस लिस्ट में अगला नाम है मुहिबुल्ला नदवी का, कि जो समाजवादी पार्टी के टिकट से उत्तर प्रदेश की रामपुर की सीट से जीते हैं। आजम खान का गढ़ माने जाने वाले इस इलाके में जब बिल्कुल आखिरी वक्त में अखिलेश यादव की तरफ से लखनऊ से इनको इस इलाके में भेजा गया था, तो बहुत सारी आशंकाएं लगाई जा रही थीं कि लोग इनको कबूल शायद नहीं करेंगे, मगर वो सारी आशंकाएं गलत साबित हुईं और इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को लगभग 70 से 80 हजार के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। तीसरा नाम भी उत्तर प्रदेश की संबल सीट से ही है और ये हैं जियाउर रहमान बर्क, के जो दरअसल उन शफीकुर रहमान बर्क साहब के ग्रैंडसन मतलब के पोते हैं, कि जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुस्लिम नेताओं में गिने जाते थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य होने के साथ साथ ये कई बार भारत की लोकसभा में भी पहुंचे। फिलहाल अभी कुछ वक्त पहले ही इनकी डेथ हो चुकी है और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से इनके पोते जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया गया था। और जब यहाँ पर चुनाव वगैरह हुए थे, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे झगड़े वगैरह या फिर प्रशासन के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाने की खबरें भी आई थी। और जियाउर रहमान बर्क के सपोर्टर्स की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि बेमानी करके, धांधली करके उनको हराने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल 4 जून को आने वाले रिजल्ट में जियाउर रहमान बर्क जीत हासिल कर चुके हैं। बात करें अब चौथे मुस्लिम सांसद के बारे में, तो वो हैं अफजाल अंसारी, जो कि समाजवादी पार्टी के ही टिकट से यूपी के गाजीपुर से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं।
ये वैसे किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, ये मुख्तार अंसारी के भाई हैं, खुद भी पहले भी लोकसभा पहुंच चुके हैं, बल्कि इनके तो पूरे खानदान का ही इंडियन पॉलिटिक्स में हमेशा से दबदबा माना जाता है। लिस्ट में पांचवें नंबर पर नाम है इमरान मसूद का, जो दरअसल कांग्रेस के टिकट पर यूपी के ही सहारनपुर से जीत कर लोकसभा पहुंचे हैं। जमीन और लोगों से काफी जुड़े हुए नेता माने जाते हैं और पहले से ही ये लगभग कन्फर्म माना जा रहा था कि इस चुनाव में इमरान मसूद जीत ही जाएंगे। उत्तर प्रदेश की 5 सीटों के बाद अब अगर हम वेस्ट बंगाल की तरफ चलें तो वहां से भी लगभग 6 मुस्लिम कैंडिडेट्स के जीतने की खबर आ चुकी है। पहला नाम जांगीपुर की सीट से खलीलुर रहमान का बताया जा रहा है, दूसरा नाम अबू ताहिर खान का है जो मुर्शिदाबाद की सीट से जीते हैं, जबकि तीसरा नाम एस के नूरुल इस्लाम का है कि जिन्होंने बसीरत की सीट से एक बड़े मार्जिन से लगभग 3 लाख से भी ज्यादा वोट से जीत हासिल की है। चौथा नाम साजदा अहमद का है जिन्होंने उलूबेरिया की सीट से जीत हासिल की है। पांचवा नाम ईशा खान चौधरी का है जिन्होंने मालदहा दक्षिण की सीट से जीत हासिल की है। और यहां वेस्ट बंगाल में छठा नाम जो सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो है यूसुफ पठान, यानी कि हमारे एक्स क्रिकेटर का। यूसुफ पठान के जो पहले ही क्रिकेट दुनिया में अपने बड़े बड़े कारनामों की वजह से न सिर्फ हमारे देश बल्कि दुनिया में भी पूरी तरीके से मशहूर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी और टीएमसी के जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसको ज्वाइन किया था और अपने पहले इलेक्शन में ही बड़ी जीत हासिल की है, वो भी कांग्रेस के मशहूर और बड़े लीडर अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ। ये वही अधीर रंजन चौधरी हैं कि जिनकी गिनती आज भी कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में की जाती है। आप इनके कद का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये लंबे वक्त तक पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस के मेन लीडर रहे हैं और इसके अलावा इस सीट से भी लगातार ये पिछले कई इलेक्शन से जीतते आ रहे थे, जिसका रिकॉर्ड अब फाइनली यूसुफ पठान ने तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की 5 और वेस्ट बंगाल की 6 सीटों के साथ अब यहां पर फाइनली हमारे 11 मुस्लिम कैंडिडेट्स कंप्लीट होते हैं। आगे चलें तो अगला नाम तेलंगाना की सीट हैदराबाद से है, जो कि असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिनके बारे में मुझे आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि उनके खिलाफ बीजेपी की तरफ से जिन लेडी को खड़ा किया गया था उनको लेकर देश के मीडिया ने बेवजह में हाइप बनाई, यानी उनकी जमीन पर कोई भी हैसियत नहीं थी, मगर फिर भी मीडिया में ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि मानो वो ओवैसी को टक्कर दे सकती हैं। और तो और मीडिया की तरफ से बनाए गए इसी माहौल की वजह से ये लेडी इतनी ज्यादा जोश में आ चुकी थी और कॉन्फिडेंस में आ चुकी थी कि इन्होंने कुछ इस तरह की हरकतें की कि जिसकी वजह से इनका काफी मजाक बनकर रह गया, इवन खुद की इनकी पार्टी की तरफ से भी इनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और आखिर में रिजल्ट वही आया कि जो जमीन की हकीकत जानने वाले लोग बताते आ रहे थे, यानी असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ जीत ही हासिल नहीं की बल्कि पिछले चुनावों की तरह लाखों के बड़े फासले से जीत हासिल की। तेलंगाना के बाद अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, जहां से 3 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं, जिनमें से एक का नाम है आगा सैयद रूहुल्ला मेहंदी के जो श्रीनगर की सीट से जीते हैं, दूसरे का नाम है मियां अल्ताफ अहमद, जबकि तीसरे कैंडिडेट का नाम है अब्दुल राशिद शेख। और यहां पर आपको एक हैरान कर देने वाली चीज ये भी बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर स्टेट से ये जो 3 कैंडिडेट जीते हैं इनमें से 2 ने उन 2 मशहूर चेहरों को हराया है कि जिनसे हम सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, यानी जम्मू कश्मीर के 2 सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, कि जो बारी बारी से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मगर इन चुनावों में इनको लाखों वोट्स के फासले से हार का सामना करना पड़ा है। इन 15 कैंडिडेट्स के बाद अब हम चलते हैं बिहार की तरफ के, जहां से 2 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों के दोनों ही कांग्रेस के कैंडिडेट थे। पहला नाम तो है मोहम्मद जावेद का, कि जो दरअसल किशनगंज की सीट से जीते हैं, जबकि दूसरा नाम है तारिक अनवर का, कि जिन्होंने कटिहार से जीत हासिल की है। अब चलें असम स्टेट की तरफ तो यहां से सिर्फ एक ही मुस्लिम कैंडिडेट जीता हुआ नजर आता है, जो कि हैं रकीबुल हुसैन, जिन्होंने धुबरी की सीट पर एक दूसरे मशहूर मुस्लिम चेहरे को ही हराकर, मतलब के मौलाना बदरुद्दीन अजमल को शिकस्त देकर ये सीट हासिल की है। इन 18 सीट्स के बाद अब हम चलते हैं साउथ में मौजूद केरला की तरफ के, जहां पर 3 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है और वो लोकसभा पहुंचे हैं, जिनमें से पहला नाम तो है शफी परम्बिल का, जो दरअसल कांग्रेस से हैं, जबकि बाकी बचे हुए 2 नाम हैं ईटी मोहम्मद बशीर और डॉक्टर एमपी अब्दुल समद समदानी का। और ये 3 में से आखिर के जो 2 कैंडिडेट्स हैं ये वहाँ की मशहूर रीजनल पार्टी मतलब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कैंडिडेट थे।
21 कैंडिडेट्स के बाद अब हम अगर लद्दाख की तरफ चलें तो वहां की सिंगल सीट भी मोहम्मद हनीफा नाम के एक मुस्लिम कैंडिडेट के हाथों में आई है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को शिकस्त दी है। अब आखिर के बचे हुए दो नामों में से एक नाम तो लक्षद्वीप स्टेट से है, जो जाहिर है आपको पता ही होगा कि एक मुस्लिम आबादी वाला राज्य है। तो यहाँ से चुने गए हैं मोहम्मद हमदुल्ला सईद, जबकि आखिरी और 24वां जो नाम है वो तमिलनाडु स्टेट से है, जहाँ से जीत हासिल करने वाले मुस्लिम कैंडिडेट का नाम है कानी के नवास, जो इससे पहले भी यहाँ से लोकसभा सांसद थे और उसी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कैंडिडेट हैं कि जिसने केरला में भी ऑलरेडी दो सीटों पर जीत हासिल की है। तो दोस्तों, ये तो थी इस लोकसभा चुनाव में जीतने वाले 24 मुस्लिम कैंडिडेट्स की लिस्ट। बाकी मैंने आपको शुरू में ही जैसा कि बताया था कि डेटा इधर उधर भी हो सकता है इलेक्शन कमीशन की वजह से, तो इसीलिए अगर इस वीडियो के अपलोड हो जाने के बाद अगर आपको कुछ कम ज्यादा लगे तो कमेंट्स बॉक्स हो गए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था रियली, और इसमें जो दो फेस है जिन्हें मैं पर्सनली मतलब जानता हूँ, जो कि बहुत बेहतरीन काम कर चुके हैं अपने लाइफ में, जैसे कि इकरा चौधरी है, ठीक है, वो एक कम एज में इतना बड़ा मकाम हासिल करना यार एक अपने आप में प्राउड की बात है। जितने भी मुसलमान हैं, ठीक है, उनकी प्राउड की बात है कि यार उनके धर्म की, उनके रिलीजन के जो लोग हैं वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, सांसद में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। और एक चीज मैं ये बोलूंगा कि जो मुख्तार अंसारी है उनको, उन्हें तो हर कोई जानता है यार, वैसे इंसान बहुत कम होते हैं क्योंकि उन्हें उनकी जो रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ज्यादा उनसे प्यार करते हैं। भले वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके भाई को वो जिताए हैं, क्योंकि वो प्यार करते थे तो ही तो उन्हें जिताए हैं। जैसे कि मीडिया उन्हें बदनाम करी थी, बदनाम करने के बाद भी बहुत अच्छा ये रिस्पॉन्स दिए है। और जैसे कि अभी हमारे देश की जो कंडीशन है, हिंदू मुस्लिम ज्यादा, बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो चुकी है उस हिसाब से, और खास तौर पे यूपी में इतने सारे मुसलमानों का जीतना बहुत बड़ी बात है। ये मतलब जो भी ये सारी चीजें मीडिया और जो भी पार्टी ये चीजें फैला रही थी, हिंदू मुस्लिम कर रही थी, तो उनके मुंह पे ये तमाचा है कि यूपी जैसे जगह पे मुस्लिम लोगों को जनता ने वोट दिया है, जिताया है, और ये बता दिया है कि ये सारी जो राजनीति है धर्म के नाम पे बिल्कुल नहीं चलने वाली। सो गाइस, और एक चीज, अब मोहब्बत की जीत हुई है, भले पीएम कोई भी बने उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोहब्बत की जीत हुई है हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो, तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू गाइस।